अस्सलाम वालेकुम अजीज नाजरीन हजरात, क्या आप टीटी में ज्यादा से ज्यादा नंबर हासिल करना चाहते हैं? तो आपको पिछले साल पूछे गए सवालती पर्चे के सही जवाब को जानना चाहिए, और वो सवालात किन किन मैदानों से निकाले गए हैं उसको भी जानना चाहिए, और सही जवाब तक हम किस तरह से जल्द अज जल्द पहुँच गए वो भी जानना चाहिए। तो इसको आज हम इस वीडियो में देखेंगे। आप तमाम का नवाज़े उर्दू यूट्यूब चैनल में इस्तकबाल है। आप बखूबी जानते हैं कि नवाज़े उर्दू यूट्यूब चैनल की जानिब से उर्दू मीडियम के तलबा के लिए वीडियोस बनाए जाते हैं। तो आज का हमारा ये वीडियो कर्नाटक की जानिब से चलने वाली यानी कर्नाटका टीईटी क्या कर्नाटका टीटी 2023 में पूछे जाने वाले फर्स्ट लैंग्वेज उर्दू पेपर 1 का सवाल हल करें। आप ये बात ध्यान में रखिएगा, चाहे वो पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, यहाँ पर कभी कभार पेपर 1 के सवाल पेपर 2 में पूछे जाते हैं, पेपर 2 के सवाल पेपर 1 में पूछ सकते हैं। इसलिए क्या है, हम पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को देखना चाहिए ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा नंबर हासिल करें। एक एक करके हल करें। यहाँ पर इक्तिबास दिया गया है, उम्मीद है कि आप इक्तिबास खुद पढ़ेंगे। मैं सीधे सीधे जवाब की तरफ जाता हूँ कि वक्त जाया किए बगैर हम सीधे जवाब की तरफ जाएंगे। तो पहला सवाल है हमारा मौलाना अबुल कलाम आजाद, मौलाना आजाद दिया गया है, मौलाना आजाद को अदबी दुनिया किस तौर पर तस्लीम करती है। यहाँ पर जवाब आते हैं, जवाब क्या है, अजीम नस्ल निगार। तो यहाँ पर हमें देख सकते हैं, देखिए यहाँ बताया गया क्या है, अजीम नस्ल निगार के तौर पर तस्लीम करती है। तो मैं डायरेक्ट जवाब की तरफ जाता हूँ। मौलाना आजाद इस उम्र में अल मिसबाह के मुदीर थे। अल मिसबाह के मुदीर कब थे, 12 साल की उम्र में। आप यहाँ पे देख सकते हैं, 12 साल की उम्र में अल मिसबाह के मुदीर थे, अल मिसबाह के मुदीर थे। और इसी तरह मौलाना आजाद के मुताबिक हर कौम का पैदाइश हक क्या है, हर कौम का पैदाइश हक क्या है, आजाद रहना है। इनके एतिकाद है कि आजाद रहना फर्ज और हर कौम का पैदाइशी हक है, तो सबसे आजाद रहना है। चौथा ऑप्शन। अगला सवाल, सकरात को जहर का प्याला इस लिए पीना पड़ा क्योंकि सकरात क्या है, देखिएगा यहाँ पर है सकरात, हाँ उसे जहर का प्याला पीना पड़ा क्योंकि वो एक सच्चा इंसान था। कैसा, सच्चा इंसान ही है, सच्चा इंसान। हाँ अगले सवाल, जुराइम, जुराइम क्या है, उसका वाहिद क्या है, जुराइम जुर्म उसका वाहिद क्या है, जुर्म है यहाँ पर बताया गया जुर्म। और बाकी के आप मालूम है गुलामी, वो भी पता है माने आजादी, मालूम है हुर्रियत, हुर्रियत के माने क्या है, आजाद के, याद रखिएगा हुर्रियत के हैं आजाद, इसके माने क्या है, आजादी के, याद रखिएगा। कभी कभार क्या है, आजादी देकर उसका मुतादिफ पूछ सकता है, इसलिए आप याद रखिएगा हुर्रियत माने आजादी। अगला है सवाल हमारा पामाल के माने, पामाल, पामाल करना मतलब बर्बाद करना, क्या करना, बर्बाद करना आता है। जुल्मा हंगामा ये भी मालूम है आपको, जुल्म तो मालूम है, माल तो मालूम है, हंगामा यानी शोर शराबा करना, झगड़ा फसाद पैदा करना। अगला सवाल, इंतकाम का मुतरदिफ, इंतकाम का मुतरदिफ क्या है, बदला आता है, बदला लेना है, इंतकाम लेना जो कहते हैं। जुल्म तो मालूम है, तहफा किसी का गिफ्ट, तारीफ करना ये तो नहीं आ सकता, लेकिन इंतकाम का मतलब क्या है, बदला लेना। अगला सवाल, मौलाना आजाद की तरह जिस गैर मुल्की शख्स को अदालत के सामने खड़ा किया गया, देखिएगा मौलाना आजाद की तरह गार्डिनियो ब्रोनो को खड़ा किया गया, यहाँ पे बताया गया आखिरी यहाँ पर इसमें गार्डिनियो ब्रोनो इसमें क्या है, खड़ा किया गया, याद रखें।
इसी तरह एक नज़म दी गई है, देखिएगा नज़म। ये है तल के तालीम की सब सजाएं, वो काश अब भी गफलत से बाज आए। ये नज़म क्या है, दरसी किताब में से ली गई है। कौन सी दरसी किताब, आठवीं शायद एट्थ, सेवंथ या एट्थ की किताब में है ये किताब, ये नज़म। तो इसलिए क्या है, आपसे ये मेरी सलाह है कि दरसी किताब में मौजूद तमाम नज़मों को पढ़कर समझ लीजिएगा, ताकि आपको इन नज़मों के जवाब लिखने में आसानी हो सके। तो चलो हम डायरेक्ट यानी सीधे जवाब की तरफ जाएंगे। इनमें जो मुरक्कब लफ्ज नहीं है, मुरक्कब यानी दो लफ्ज मिलकर एक लफ्ज बना, दो लफ्ज मिलकर एक लफ्ज बना, वो मुरक्कब लफ्ज कहलाता है, जिसके अंदर दो लफ्ज हो। देखो तर्क तालीम दो लफ्ज है, राह आफियत राह आफियत दो लफ्ज है, नूर तालीम दो लफ्ज है, ताबा सिर्फ एक लफ्ज है। तो ये क्या है, नहीं है सही जवाब। खताब की जमा खताबात, क्या आता है, खताब की जमा खता बात आता है, खता बात। खुतबा देना कुतुब यानी शुमाल कुतुब जुनूबी कुतुब वो आता है, मुखातिब यानी जिसके जिसके सामने हम बात करें, जिससे हमें मुखातिब है वो मुखातिब है। तो ये खताब, इसके मायने बता रहा हूँ मैं आपको। तो इसका सही जवाब क्या है, खताब जमा खताबात आता है। अगला सवाल, मुबादा राह आफियत फिर न पाएं कि हैं बेपनाह आने वाली बलाएं। इस शहर में काफिया को तलाश कर रहा है, काफिया क्या है यहाँ, पाएं और बलाएं हैं। तो इस हिसाब से पाएं और बलाएं काफिया हैं जो आखिर में आते हैं हम। हाँ, तो अगला हिस्सा है हमारा, अगला सवाल, काबिल का मुतजाद, काबिल का मुतजाद क्या है, काबिल का ना काबिल आता है, बेकाबिल नहीं आता, हम काबिल नहीं आता, कायल भी नहीं आता। कायल करना किसको, मना लेना मनवा लेना, कायल के माने मनवा लेना। लेकिन जवाब क्या है, मुतजाद जिद क्या है उसका, नाकाबिल। अगला सवाल, तालीम हासिल करने से नस्लें क्या होती हैं, तालीम हासिल करने से नस्लें क्या है, इंसान बनती हैं, क्या है, इंसान बनती हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं नजर में, हाँ देखिएगा, नस्लें तुम्हारी बनी इंसान, कैसे, बस अब इल्म फन को फैलाओ, इल्म फन को फैलाने से नस्लें क्या है, इंसान बनती हैं, वरना वह जानवरों की तरह रहते हैं, कहके इस नजम में बताया गया है। तो चलो अगला हिस्सा, इज्जत का मुतरदिफ, इज्जत व आबरू जो आपने सुना होगा, आबरू क्या है, इसका सही जवाब है, इज्जत का मुतरदिफ क्या है, आबरू है। जरूरत यानी जिसको जरूरत हो, फन यानी हुनर, महारत को फन कहा जाता है, और खिदमत करो तो आप जानते ही हैं। तो सही जवाब क्या है, आबरू है। ताली कौम खाने कमाने के काबिल बनती है कब, कौम खाने कमाने के काबिल कब बनती है, जबकि वह तालीम हासिल करे। काबिल बनना तालीम हासिल करने पर क्या हो, खाने कमाने के काबिल बनते हैं। देखो, बने खाने कमाने के काबिल, बने कौम खाने कमाने के काबिल, जमाने में हो मुंह दिखाने के काबिल, कब बनती, जब तालीम हासिल करे, तभी क्या हो, खाने कमाने के काबिल बनती है। ये रहे नसर और नजम में पूछे गए सवाल, एक इबारत और नजम। तो हम आएंगे अगला हिस्सा, कवायद और पेडागोजी के सवाल आते हैं। तो 16वां सवाल, हामिद ने रोटी खाई, इस जुमले में अलामत फाइली, यहाँ पर देखिएगा, हामिद क्या है, फेल है, रोटी फाइल है, खाई फेल है, माफ कीजिएगा, हामिद फाइल है, खाई फेल है, रोटी क्या है, मफूल है। तो इनमें बचा ने, ने क्या है, अलामत फाइली है। वो मंजूम कलाम जिसका हर शेर माने के एतबार से मुकम्मल हो, वो क्या है, वो क्या है, गजल है, माने के एतबार से मुकम्मल। हम्द खुदा की तारीफ, नात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ को बयान किया करना, और कशीदा, कशीदे में क्या है, एक मशहूर वाक, कशीदे में क्या है, किसी की तारीफ बयान की जाती है, किसी शख्स की तारीफ या बुराई, इसके अंदर क्या है, कसीदे में तारीफ के साथ बुराई भी बयान की जा सकती है, कसीदे में बुराई करना, किसी नजम में कसीदा का मतलब तारीफ करना और बुराई करना, ये दोनों भी आता है कसीदे में, याद रखिएगा। हाँ, अगला सवाल हमारा, कलाम में किसी दो अलग चीजों को उसकी मुश्तरिका सिफत की बिना पर एक दूसरे की मिसाल दी जाए, एक दूसरे की मिसाल, कब, मुश्तरिका सिफत की बिना पर, एक ही सिफत की बिना पर, सिफत से मतलब
उसे क्या है, क्या कहते हैं वो कलाम, कौन सा है वो कलाम, क्या है, तशबिया है, क्या है, तशबिया है। और इस्तियारा में क्या है, हकीकी माने के बजाय मिजाजी माने का इस्तेमाल किया जाता है, हकीकी माने के बजाय मिजाजी माने का। और सिफत तकरार में क्या है, बार बार एक ही लफ्ज को दोहराया जाता है शेर। और तलमी के माने मशहूर वाक्या या शख्स की तरफ इशारा किया जाता है, उसका जिक्र किया जाता है उस कलाम में, उसे तलमी कहा जाता है। अगला सवाल, जिस नजम में किसी मरहूम शख्स की तारीफ हो, मरहूम यानी मरे हुए शख्स की तारीफ की जाए, उसे मलसिया कहते हैं, क्या कहते हैं, मलसिया। हाँ याद रखिए मलसिया। और कसीदा यानी यहाँ पर दी गई तारीफ है, बुराई बयान की जाए। हाँ मसनवी, मसनवी में क्या है, मुसलसल बात बयान की जाती है, मसनवी मसनवी में मुसलसल बात बयान की जाती है। और मनकबत में, मनकबत में क्या है, किसी की तारीफ बयान की जाती है, मनकबत में क्या है, किसी की तारीफ। अगला सवाल, रुबाई, रुबाई का ये मिसरा हासिल कलाम होता है, रुबाई का चौथा मिसरा हासिल कलाम होता है, रुबाई का चौथा मिसरा क्या है, हासिल कलाम होता है। इसमें के ज्यादातर सवाल आठवीं जमात के भी हैं, आठवीं जमात के 10 किताब उर्दू किताब है, मैं देखा हूँ तो अब तो फिर भी क्या है पढ़ाने के दौरान याद आता है मुझे, बेहतर है आप उन 10 किताबों को पढ़ें। अगला सवाल, ये किसी भी जबान की ज़ेली शाख कहलाती है, किसी भी जबान की ज़ेली शाख क्या है, बोली है, किसी भी जबान की हर जबान क्या है, बोलते हैं, चंद जबानें लिखने में तहरीरी में नहीं आते, हाँ लेकिन क्या है, बोलना हर जबान में पाया जाता है। अगला सवाल, बच्चों में खदर पेमाई का असल मकसद इस नौ की आमोजिश का हुसूल है, इस नौ की आमोजिश का हुसूल, देखिएगा रहनुमाई के लिए हमें कदर पेमाई करती है, या मुतवक्का कदर पेमाई है, या मियादी कदर पेमाई, या औसत कदर पेमाई, बच्चों में कदर पेमाई का असल मकसद क्या है, वहाँ मुतवक्का कदर पेमाई, हमें क्या तवक्का करती, क्या हमें पढ़ाने के बाद हमें ये तवक्का करती, ये ख्वाहिश करते हैं कि बच्चे इसको मुकम्मल तौर पर समझ जाएं, ये हमारी ख्वाहिश होती है, तो उसके हिसाब से हम क्या कदर पेमाई करते हैं, बच्चे सीखे क्या नहीं सीखे, हमें पढ़ाया हुआ हमारा पढ़ाया हुआ मवाद बच्चों तक पहुंचा या बच्चे समझ गए हैं या नहीं है उसकी जांच करती है, वो क्या है, मुतवक्का कदर पेमाई है, बच्चों की कदर पेमाई। और ये मियारी कदर पेमाई क्या है, ये जैसे आप फिर TET CET इम्तिहान देते ना, वो मियारी कदर पेमाई कहला सकती है। अगला सवाल, ये उम्दा ख्वानगी का वस्फ है, उम्दा ख्वानगी, अच्छी ख्वानगी, अच्छी तरह से पढ़ना, हाँ मुकालिमा करना, गजल ख्वानी या अदाकारी ये नहीं हो सकती, ये क्या है, दुरुस्तगी क्या है, उम्दा ख्वानगी की मिसाल है, उम्दा ख्वानगी का वस्फ है, सिफत है, दुरुस्तगी यानी बार बार पढ़ने से हमें दुरुस्तगी आती है, हमारे अंदर क्या है, पढ़ने में रवानगी आती है, अच्छे अंदाज से हम अदा कर सकते हैं अल्फाज को, ये उम्दा ख्वानगी की वस्फ है, सिफत है, दुरुस्तगी, दुरुस्त होता है इंसान। अगला सवाल, इस अंग्रेजी माहिरे ने माहिरे तालीम के मुताबिक एक माह का बच्चा माँ की आवाज पर मुतवज्जा होता है और मुस्कुराता है, ये लफ्ज, ये जुमला किसने कहा, किस माहिरे तालीम ने कहा, ये जुमला क्या है, लोनर ने कहा, कौन कहा, लोनर। इंशाल्लाह हम अगले वीडियो में यानी आने वाले चंद दिनों में बेरी, लेनेबर्ग और क्रिशन, इन्होंने भी इन माहिरे ने तालीम ने भी कौन से अल्फाज, कौन से कोटेशंस पेश किए उसके बारे में भी बहस करेंगे, हमारे नवाजे उर्दू यूट्यूब चैनल पर बने रहेगा, आप तक ये वीडियो पहुंचते रहेंगे। तो चलो अगला सवाल, इंसानी ज़िंदगी में तबादला ख्याल का सबसे अहम जरिया, तबादला ख्याल यानी अपने ख्याल को किस तरह से बताते हैं, अगर मैं आपके साथ अपने ख्याल को इजहार कर रहा हूँ तो उसका अहम जरिया क्या, मेरी ज़बान है, क्या है, ज़बान, तो ज़बान ही से मैं आवाज़ को निकालता हूँ, तुम तक, आप तक पहुँचाता हूँ, तो यही क्या है, सही जवाब जबान है यहाँ पर। अगला सवाल, मशहूर शख्सियत के हासिलाते ज़िंदगी और उनके कारनामों की तहरीर, हासिलाते ज़िंदगी और कारनामों की तहरीर, हालाते ज़िंदगी, माफ कीजिएगा हासिलात का, हालाते ज़िंदगी, हालाते ज़िंदगी के मतलब और उनके कारनामों को तहरीर करना क्या है, सवाने निगारी कहलाता है, क्या, सवाने निगारी। ड्रामा तो आपको पता है, अदाकारी को, किसी वाक्य को, एक वाक्यात को
तहरीर करना, मजमून निकाले, किसी मजमून पर किसी खास मुकम्मल मालूमात का इकट्ठा करना या तहरीर करना। तंज मजा यानी ताना या छेड़छाड़ को हंसी मजाक के अंदाज में तहरीर करना। ताने देने और छेड़छाड़ करने के लिए क्या है, उसे हंसी मजाक के अंदाज में बयान करना या तहरीर करना ही क्या है, तंज मजाक कहा जाता है। अगला सवाल, नज़म की इस किस्म को दो बीती कहा जाता है। दो बीती क्या है, रुबाई को कहा जाता है। क्या, रुबाई को दो बीती कहा जाता है। गजल, कसीदा, मस्तानी, यादव, ये तो आप जान चुके हैं पिछले समय, पिछले इसी समय पिछले पिछले समय आप समझ चुके हैं। तो चलो अगला सवाल हमारा है, हायर प्राइमरी जमातों की सतह तक 4 मरहलों की सिफारिश की गई है। कितने, 4 मरहले। इनमें से ये मरहला शामिल नहीं है। देखिएगा, यहाँ पर हायर प्राइमरी कहा गया है और हम पेपर लिख रहे हैं पेपर 1, लोअर प्राइमरी का 1 to 5th के क्लास का, तो हमें उनका भी ध्यान रखना है, उन क्लासों का। तो इस हिसाब से आपको उसकी लेवल तक भी मुतालिया करना है पेपर 1 में कामयाब होने के लिए। तो यहाँ पर देखिएगा, कब लज कदर पेमाए, ये होता है तकनीकी से मरहला होता है, इक्तसाबी मरहला होता है, मशकी या अमली मरहला होता है, या इख्तितामी मरहला, यानी खत्म नहीं करते हमें कदर पेमाए हमारी तदरीस। इख्तितामी मरहला क्या है, यहाँ पर ये मरहला शामिल है, इख्तितामी मरहला। इख्तितामी मरहला नहीं, यहाँ पर क्या है, कदर पेमाए का मरहला आता है, इख्तितामी नहीं आता, याद रखिए। अगला सवाल, बुलंद आवाज से पढ़ना, पढ़ने की सलाहियत के इस्तेमाल करने का ये मरहला है। बुलंद आवाज से पढ़ना क्या है, पहला मरहला है। और दूसरा मरहला क्या है, ज़ेर लब मुतालिया करना, याद रखिएगा। दूसरा मरहला हमारा ज़ेर लब, यानी तीसरी चौथी जमात के बच्चे ज़ेर लब, हमें मुतालिया करने के दौरान हमारे होंठ हिलना, आवाज नहीं आना, वो क्या है, ज़ेर लब मुतालिया कहते हैं, खामोश मुतालिया। और ज़ेर लब मुतालिया, और खामोश मुतालिया मतलब होंठ नहीं हिलाना, वो तीसरा मरहला आता है, होंठ नहीं हिलाना, सिर्फ क्या है, आंखों से पढ़ते जाना, आंखों से। हाँ, वो क्या है, तीसरा मरहला है। 3 मरहले आते, चौथा मरहला शायद इसके आगे का होगा चौथा मरहला, लेकिन ये 3 तो मरहले आप याद रखिएगा। चलो अगला सवाल, तीसरा, जबान की 4 बुनियादी महारतों की तरतीब, ये तो आप जानते हैं, सबसे पहले सुनना है, उसके बाद बोलना है, उसके बाद पढ़ना है, उसके बाद लिखना है, SLRW, जो आप जानते हैं इंग्लिश में भी, तो ये क्या है, तीसरा ऑप्शन सही है। ये रहे पेपर 1 के फर्स्ट लैंग्वेज के, हमें क्या है, पेपर 1 फर्स्ट लैंग्वेज के साथ साथ सेकेंड लैंग्वेज भी देखना चाहिए, क्योंकि कभी कभार क्या होता है, सेकेंड लैंग्वेज के सवाल फर्स्ट लैंग्वेज में आते हैं, वो दोहराते हैं, कितने मतलब सवाल निकालेंगे, यही सवाल दोहराए जाते रहते हैं, इसलिए हम सिर्फ वहाँ पर पेडागोजी और ग्रामर के सवाल को देखेंगे। यहाँ पर इक्तिबास है, ये तो पढ़ने के मिलते हैं, इसमें जवाब मिलते हैं, सिर्फ यहाँ पर देखिएगा 33, फरहत बख्श के माने, ऐसे अल्फाज देखेंगे जो दोहराए जा सकते हैं। हाँ, फरहत बख्श के माने क्या है, फरहत बख्श के माने है सुकून देने वाली, क्या, सुकून देने वाली आता है। हाँ, उसके बाद अराकीन का वाहिद रुकन आता है, रुकनियत मेंबरशिप आता है, लेकिन रुकन क्या है, मेंबर आता है। अरकान ये क्या है, रुकन की अराखीन अरकान हमाने में आते हैं, यानी ये भी जमा है, रुकन की जमा अरकान होता है, कारकुन यानी काम करने वाला है, तो सही जवाब क्या है, रुकन होता है। यहाँ पर एक नजम दी गई है, इस नजम को पढ़ना है, इसको जवाब लिखना है, लेकिन हम सीधे अहम बात करते हैं। 41 सवाल, 4 के मुताबिक हम को गैरों के, माफ कीजिए, इसके जरूर नहीं है, ये सवाल से पता है, उख़वत का मुतरादिफ क्या है, उख़वत का मुतरादिफ, उख़वत भाईचारा आता है, क्या आता है, उख़वत का मुतरादिफ भाईचारा आता है। चौथा ऑप्शन सही है, कुवत तो मालूम है, खानदान मालूम है, ससुराल भी मालूम है, सास का घर, सास का गांव, माँ के घर का गांव, सास का गांव है ससुराल कह जाता है, तो आपको पता है। तो चलो अगला सवाल हम आएंगे, 44, इस नज़म के इस शेर में मुतजाद अल्फाज की जोड़ी जोड़ी पाई गई है, मुतजाद मतलब अजदाद की जोड़ी, नज़म के अंदर अजदाद की जोड़ी पाई गई है,
वो कौन सा शेर है? पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है। यहाँ पर हम जिसे नजम में देखें तो पहला में नहीं है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में नहीं है, चौथे में नहीं है, कहीं में नहीं है, दूसरे में है। कहीं में है? दूसरे में। देखिएगा, रोए और हंसाना, रोना और हंसना, रोना और हंसना, ये अज़दाद हैं। तो इस लिहाज से क्या है हमारा जवाब? क्या है? दूसरे शेर में है। ठीक है, दूसरे शेर में है। अगला सवाल, बेखतर के माने। बेखतर के माने बे खौफ, याद रखिएगा, बेखतर के माने बे खौफ, खतरनाक नहीं आता। इसमें खतरा, डर, डर को कोई भी नहीं आता। खतरा, पानी का बूंद खतरा आता है, लेकिन ये नहीं। सही जवाब क्या है? बेखौफ आता है। अब हम आएंगे उसके बाद इन सवाल की तरफ। देखिएगा, ये ग्रामर और कवायद की, कवायद और पेडागोजी के सवाल आते हैं। जाने, इसकी किस्मों में से बाजार, इसकी किस्म, इस्म माफ कीजिएगा, इस्म की किस्मों में से बाजार इसकी मिसाल है। इस्म की किस्मों में से बाजार क्या है? इसमें आम आता है, इसमें आम, और इसमें खास कब आता है? जब खास बाजार की तरफ जाएंगे हम क्या है, मोबाइल का है, माफ कीजिएगा, तरकारी के बाजार जब बजाते हैं तो वो क्या है, खास हो जाएगा। और इसमें आला यानी जिसमें औजार का नाम इस्तेमाल किया जाए, इसमें आला यानी औजार का नाम इस्तेमाल किया जाए, और इसमें मादा यानी धातुओं की चीजों का नाम इस्तेमाल किया जाता है, उसे इसमें मादा कहते हैं। तो चलो हम फिर अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल हमारा है, अरबी तर्ज का वो नाम जिसमें पहले अबू, इब्न और बिंत पाए जाए, जैसे अबू तालिब, कुलसुम, इब्ने मरियम, बिनते, इस तरह से इस्तेमाल किया जाए तो वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं कुनियत कहलाते हैं। वो क्या है? इसमें खास की किस्में हैं, कुनियत कहलाता है। क्या कहलाता है? कुनियत। खताब यानी एजाज या इनाम दिया जाए किसी सरकार, हुकूमत की जानब से या इदारे की जानब से, वो एजाज खताब कहलाता है। और लकब ये क्या है? किसी खूबी पर दिया जाता है, किसी खास खूबी पर। और इल्म क्या है? नाम किसी चीज का, किसी खास चीज जगह का नाम इल्म कहलाता है। अगला सवाल, इनमें से इसमें सूत, सूत यानी आवाज, आवाज के लिए इस्तेमाल होना, गुनगुन या आवाज की मिसाल है। चांदी, पहल, सपहल, कारवां, ये नहीं आता है इसमें। सूत की बेहतरीन, इसमें सूत की मिसाल क्या है? गुनगुन है। अगला सवाल, ज़मीर शख्सी की तीन सूरतें हैं। पहला ज़मीर मुतकलिम, दूसरा ज़मीर मुखातिब, तो तीसरा कौन सा है? तीसरा क्या है? ज़मीर गायब। मुतकलिम, मुखातिब और गायब, याद रखिएगा, ज़मीर गायब आता है। तो फर्स्ट वन इज़ द राइट आंसर। ज़मीर इशारा, ज़मीर मौसूला, ज़मीर इस्तेफ़ाम, ये नहीं आते। ज़मीर इस्तेफ़ाम मतलब सवाल के लिए इशारा करना, ये वो आता है। मौसूला यानी जो, इसकी मिसाल है। तो सही जवाब फर्स्ट। इनमें से मज़कूर मुज़क्कर लफ्ज़ की निशानदेही करना है। मुज़क्कर लफ्ज़ कौन सा है इसमें? मुज़क्कर लफ्ज़ ये कैसे पहचानना? देखिएगा, सूत, सूरत, टोकरी, प्याला, बनावट, ये अल्फाज हैं। तो किसी बेजान चीज का मुज़क्कर मुअन्नस अगर हमें जानना है तो हमें उसको जुमले में इस्तेमाल करके पहचान सकती हैं। आपकी सूरत बहुत खूबसूरत है, आपकी सूरत कैसी है? आपकी सूरत कैसा है नहीं पूछते हैं, आपकी सूरत कैसी है, तो ये मौनस हुआ। टोकरी बहुत बड़ी है, ये भी मौनस हुआ। और बनावट बहुत अच्छी है, ये भी मौनस हुआ। तो प्याला क्या है? बहुत बड़ा है, अच्छा है, ये क्या है? सही जवाब प्याला। इस तरह से हम जुमले में इस्तेमाल करके उसके मुज़क्कर और मौनस को जान सकते। अगला सवाल, दर्जी चार नुकात में से कौन सा नुकता राह ख्वानगी को हमवार करने में जरूरी नहीं है? राह ख्वानगी को हमवार करने में, पढ़ने के रास्ते को सीधा करने में जरूरी है। देखिएगा, पढ़ने के लिए हमें सूती समझबूझ होना चाहिए, हाँ, जबानी इजहार की सलाहियत होना चाहिए, और तहरीरी शक्ल का तस्वुर होना चाहिए ख्वानगी के लिए, तीनों गुना। और अदाकारी की सलाहियत की जरूरत नहीं है वहाँ पर, क्या है? अदाकारी की सलाहियत की जरूरत नहीं है राय खानगी में, खानगी को
सीखने में, पढ़ने लिखने में अदा खाली जरूरत नहीं है, ये तीन सबसे अहम, तो इसलिए क्या है इसकी जरूरत नहीं है। अगला सवाल, वो बच्चा जो किसी भी जबान में बामाने तौर पर पढ़ने और लिखने के काबिल हो ये कहलाता है। पढ़ने और लिखने के काबिल बच्चा क्या है? तालीम नाख्वानदा, कम ख्वानदा, कम ख्वानदा नाख्वानदा तो नहीं आता। तालीम क्या है? सीखना है। सीखने वाले शख्स, सीखे हुए शख्स कैम ख्वानदा कहते हैं। क्या कहते हैं? ख्वानदा, पढ़ने लिखने वाला शख्स ख्वानदा कहलाता है। क्या? ख्वानदा। अगला सवाल, इमला नवीसी के लिए कोई ऐसा हिस्सा मुंतखब करें जिसके अल्फाज की तादाद ज़्यादा से ज़्यादा हो। देखिएगा, अगर किसी भी इमला नवीसी करना है तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा, हमें ज़्यादा से ज़्यादा कितने अल्फाज होना चाहिए? कोई ऐसा मुंतखब करें, इमला नवीसी के लिए कोई ऐसा हिस्सा मुंतखब करें जिसके अल्फाज की तादाद ज़्यादा से ज़्यादा कितनी होनी चाहिए। वो क्या है? ज़्यादा से ज़्यादा 100 होना चाहिए। कितने? 100। अगला सवाल, देखो और बोलो तरीके में लाजमी है देखना और बोलना। देखिए, किताब को देखकर तो नहीं बोल सकते, हुर्फ और अल्फाज को देखकर भी बोलना मुश्किल है, अल्फाज और जुमलों को देखकर बोलना भी मुश्किल है, तस्वीर और अशिया को देखकर हम कुछ बोल सकते हैं, ये है वो है। ये क्या है? लाजमी है, तस्वीर और अशिया। अगला सवाल, इनमें से कौन सी महारत समात और गोयाई की नहीं है? समात की सुनने की और बोलने की, समात यानी सुनना, गोयाई यानी बोलना, इसकी नहीं है। देखिएगा यहाँ पर, समात को करदा बातों को अपने अल्फाज में बयान करना, सुनना बोलना आ गया। समात करके हुर्फ लफ्ज और जुमलों को दोहराना, यहाँ भी बोलना आया। और आदाब से फुल जबान बोलना, आदाब से फुल जबान बोलना, ये भी आया। तो यहाँ पर क्या है? हुल्फ और अल्फाज को पहचानना, यहाँ पर सुनना नहीं आया, सिर्फ पहचानना है। ये हुल्फ है, ये अल्फाज हैं, सिर्फ पहचानना, यहाँ पर क्या है? सही जवाब ये है, ये गोयाई की नहीं है, समात और गोयाई की नहीं है, ये महारत नहीं है। अगला सवाल, खेलो सीखो तरीके उर्दू जबान की इन जमातों के तलबा के लिए है। खेलो सीखो क्या है? पहली और दूसरी जमात के लिए, उर्दू जबान में पहली दूसरी, और कन्नड़ा जबान में क्या है? पहली दूसरी तीसरी है, नली के लिए जो बोलते हैं, यहाँ क्या है? उर्दू जबान में पहली और दूसरी है। अगला सवाल, हर मदरसे का दस्तूर है कि वो दरस जमात के शुरू में है, जमात में दरस तदरीस शुरू करने से पहले पहले ही इसकी तैयारी कर लेनी चाहिए। शुरू से पहले ही क्या है ये करना? कौन सा करना? यूनिफॉर्म करना, या किताबों की फराहमी का मंसूबा बनाना, या सालाना फीस का खाका बनाना, या सालाना मंसूबा बनाना। सबसे हम क्या है? सालाना मंसूबा बनाना चाहिए कि हमें इस साल क्या क्या काम करना चाहिए, दस व तस्दीक शुरू से पहले ये काम करना चाहिए, तो सालाना मनसूबा बनाना चाहिए। अगला सवाल क्या है? वसाइल तालीम से हासिल होने वाले मंदरिजा ज़ैल तालीमी फवाइद में कौन सी बात गैर अहम, कौन सी बात अहम नहीं है? गैर अहम, देखिएगा, अहम नहीं है, नहीं पूछे, गैर अहम है। देखिएगा, वसाइल तालीम के लिहाज से बच्चों के तजुर्बात वसी होते हैं, तो अहम है। वालिदैन की जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ जाता है, ये थोड़ा मुझे डाउट आ रहा है। तीसरा देखिए, मुशाहिदे की कुव्वत बढ़ती है, ये भी है। नई मालूमात बआसानी ज़हन नशीन कराई जाती है, ये भी है। तो सही जवाब क्या है? सेकंड वन है। अगला सवाल, अखबार का शुमार इस किस्म के वसाइल में होता है? अखबार का शुमार इस किस्म के वसाइल में होता है, कौन से किस्म? बसरी वसाइल, समयी वसाइल, समयी और बसरी, इनमें से कोई नहीं। देखिएगा, समयी यानी सुनना, बसरी यानी देखना, तो अखबार क्या है? देखकर पढ़ते हैं हम, तो फर्स्ट वन इज द राइट आंसर। और अगला और आखिरी सवाल, जो शख्स रोजाना इस्तेमाल की चीज़ों के नाम जिस जबान में लेता है, हत्ता कि वो जिस जबान में ख्वाब देखता है वही उसकी मादरी जबान है, ये जुमला इस माहिर तालीम ने पेश किया। कौन बोला ये जुमला? ये जुमला क्या है? अल्बर्ट शोल्जर ने कहा। कौन? अल्बर्ट शोल्जर। इसी तरह से
हम क्या है इंशाल्लाह आने वाले दिनों में भाई गोश्त की, WM रिपल और ब्रोनर, इन्होंने उर्दू यानी जबान के मुताल्लुक, मादरी जबान के मुताल्लुक कौन कौन से जुमले कहा, कौन कौन से अकवाल पेश किए, इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आपके सामने पेश करेंगे। उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। मजीद इसी की वीडियो देखने के लिए नवाज़े उर्दू यूट्यूब चैनल पर बने रहिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह अगले वीडियो में मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़। हाँ।